हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शत्रुघ्न और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन। एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट एंड बार की एग्जामिनेशन, सो आई कैन शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। एंड राइट नाउ आई एम हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, मल्टीप्लेक्सर आपके साथ शेयर किया था। मल्टीप्लेक्सर का मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था कि 4x1 कैसे होता है, सिलेक्शन लाइन कैसे लिखते हैं, सिलेक्शन लाइन निकालते हैं कैसे हैं, फंक्शन कैसे निकालते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बेसिक्स मैंने बताया। आज एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं आपके साथ मल्टीप्लेक्सर का। आशा करूँगा अगर आपने मेरा मल्टीप्लेक्सर का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर है 4x1 का। ठीक है, हमारे पास क्या है, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 4x1 का एक मक्स है और बोला गया कि इसका आउटपुट फंक्शन क्या होगा। सिलेक्शन लाइन हमारे पास पी क्यों, हमारे पास चार ऑप्शन है, एंड और एक स्नोर और गेट। ठीक है, ये हमारे पास चार क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप पहले क्या करोगे, कमेंट में जाकर के आंसर इसका लिखोगे कि इसका आंसर कौन सा आएगा। ऑप्शन चार ऑप्शन ABCD में से आप सबसे पहले आपका काम है। ठीक है, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कमेंट करना है वीडियो को रोक के, उसके बाद ही आपको ये वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं कि आपने वो वीडियो को रोक करके कमेंट किया होगा। अब देखता हूँ, मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सिलेक्शन लाइन कितने आपके यहाँ पे, दो हैं। सिलेक्शन लाइन दो का मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बिट कितने आपके, दो हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बिट कितना है, दो है। तो जो नंबर ऑफ बिट 2 है, सो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, 2 का पावर 2, सब इंट्रोडक्शन में बताया, 2 का पावर 2 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, कैसे लिखूंगा, P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट P कॉम्प्लीमेंट Q P Q कॉम्प्लीमेंट PQ। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मैं क्या करता हूँ, इस वाले इनपुट को मैं इस वाले पिन से मल्टीप्लाई करूँगा जो इनपुट आ रहा है। ठीक है, देखो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है मतलब 0, यहाँ पे भी 0 है। 0 से नॉट गेट से पास करेगा, ये होगा 1 1, नॉट गेट से पास करेगा 0, यानी I0 के पास जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। ठीक है, देखो ये 1 गया, इसके पास 1 गया, ये भी यहाँ से 1 आया। ठीक है, बट I3 के पास क्या गया, 0, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट यहाँ से बाहर से निकल गया है ना, ये भी इंटरनल यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे पास 0 1 1 0 इनपुट हुआ। ठीक है, अब मुझे फंक्शन लिखना है, तो मैं आपको बताया था, ये सब चीज़ मैंने बता के रखा हूँ। तो क्या करूँगा, P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट I0 प्लस P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट I1 प्लस P Q कॉम्प्लीमेंट I2 प्लस P Q I3। अब क्या करना है आपको, I0 I1 I2 का जो भी वैल्यू है पुट कर दो। देखो तो P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट I0 का वैल्यू क्या है, 0 प्लस P कॉम्प्लीमेंट Q I1 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, प्लस P Q कॉम्प्लीमेंट I2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस, ठीक है, P Q I3 की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो गए, बचा आपका क्या, केवल P कॉम्प्लीमेंट Q प्लस P Q कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको पता है कि P XOR Q। ठीक है, P XOR Q आपका ये फंक्शन आया। ठीक है, P XOR Q आपका फंक्शन आया। ठीक है, तो P XOR Q जो हमारा फंक्शन आया, अब ये आपका फंक्शन आया। अब आप ये चेक कर लो इसमें से, ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ये XOR गेट है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये हमारा खाता कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, XOR, ये हमारा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ, D इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात आती है कि पता चला कि XOR गेट ही आ रहा है, तो मैं फिर इतने सारे मल्टीप्लेक्सर और एंड गेट ये सब को यूज़ करके क्यों अपना जो कॉस्ट है उसे इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग में करोगे तो आप क्यों कॉस्ट को इंक्रीज़ करोगे ऐसा सर्किट बना करके। हाँ, आप क्या करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, इस पूरे सर्किट को एक लॉजिक डायग्राम में कन्वर्ट कर दोगे जो कि हमारा XOR गेट होता है ना। ठीक है, आप क्या करोगे, इनपुट चेंज कर दोगे, ये P और Q आप दोगे, आपको आउटपुट यहाँ से फंक्शन क्या मिल जाएगा, P कॉम्प्लीमेंट Q प्लस P Q कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, मिनिमाइज कर सकते हो या फिर आप इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।